को इतना सुंदर लगता है ये पेड़, इसमें फूल भी अच्छे आते हैं। आप बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है? पानी डाल के ये देखिए कितना प्यारा घोल बना है। अब ये रेडी है बिल्कुल चीला बनाने के लिए। आइए आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमारे यहाँ तो अक्सर बनते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं चीला बनाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा आया है चीला। अब ये पक रहा है, इसको पकने देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको पलटने वाली हूँ, पलट दूंगी इसको। अब ये थोड़ा सा पका है, अभी और पकने देंगे थोड़ा सा इसको। ये देखिए दोस्तों, अब इसको पलटूंगी मैं। देखिए कितना अच्छा आया है कलर इसका। ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसका कलर, दिखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा ये। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। ये देखिए दोस्तों, नाश्ता बनकर तैयार हो गया सुबह का। अब नाश्ता करेंगे बच्चे, उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। ये देखो दोस्तों, नहा के सब फ्री हो चुके हैं,
अब मैं खाना बनाऊंगी, ये मेरी भांजी है और ये वो है पागल लड़की। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। दोस्तों खाना बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाया है मैंने। ये देखो नमक वाली पालक की रोटी बनाई है, छाछ है, चटनी है, बैंगन आलू की सब्जी है और ये लड़कियाँ खा रही हैं। देखो अभी अभी बनाया है ताज़ा ताज़ा। ये देखो दोस्तों हमारी शाम की चाय बन रही है, बनाने को रख दी है और ये हमारी लड़की बना रही है। ये देखो इसमें दूध डाल दिया है, ये देखो चीनी डाल रही है इसमें, कड़क वाली चाय बना रही है। और देखो ये मिठाई के डिब्बे खोल रही है, पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। कुछ है भी नहीं। ये देखो चाय बनने वाली है, इसमें उबाल आने वाला है, देखिए उबाल आ रहा है इसमें। अब ये थोड़ी देर बाद छन जाएगी। देखो दोस्तों ये चाय छन रही है, अब बन चुकी है ये। कलर कितना सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो दोस्तों चाय बनके तैयार हो गई है मठरी के साथ में। आप सबको भी खानी है मठरी और चाय पीनी है तो आइए। ये देखो दोस्तों शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, शाम के आलू नुका रही हूँ। ये देखो दोस्तों आलू छिल चुके हैं, अब मैं इसमें नमक मिर्च मसाले मिलाऊंगी। देखो मैं हरी मिर्च काट रही हूँ इसमें, इसमें डाल रही हूँ नमक। अभी आलू काफी गर्म है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा। अब मैं इनको इससे फोड़ूंगी क्योंकि ये गर्म है। ये देखो दोस्तों मैंने इनको गिलास की मदद से अच्छे से फोड़ लिया है, ये गर्म थे इसलिए मैंने गिलास से फोड़ा है इनको। ये देखो दोस्तों मैं पराठे बना रही हूँ, अब बत्ता भी तैयार हो चुका है, अब पराठे सेक रही हूँ। ये आलू भर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत पराठे पसंद होते हैं। अब तो सर्दी आ रही है तो और ज्यादा बनेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। गरम गरम खाने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा सिखा है। अब मैं इस पे लगा रही हूँ तेल सरसों का। उलट पलट के लगा लेंगे इस पे तेल अच्छे से, फिर इनको दही के और चटनी के साथ खाएंगे। देखो कितना फूला फूला आ रहा है, देखो कितना अच्छा सिखा है ये। ये देखो दोस्तों पराठे सिक के तैयार हो चुके हैं,
अब इनको बच्चे खाने वाले हैं। देखो ये ले जा रही है खाने के लिए, गरम गरम ही पराठे खाएंगे ये सब बच्चे। इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से कब पराठे आएंगे और कब खाएंगे। ये देखो, लो बच्चों आपके पराठे आ गई। देखो ये बच्चे खा रहे हैं गर्मा गर्म। बच्चों पराठे कैसे हैं? मस्त है, खाए नहीं पर देखने में अच्छे लग रहे हैं।